प्रश्नमाला 3 का अभी क्वेश्चन नंबर हल करेंगे 9वां, जो कि है सरल कीजिए। देखिए 9वां का पहला क्वेश्चन है 6 × 8 का स्क्वायर, 8 स्क्वायर है यानी 8 का घात 2 है, तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3 और 8 को लिख सकते हैं 2 का 2 × 2 × 2। देखिए 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, इस पे हम 2 घात देंगे क्योंकि 8 का घात 2 है, तो यहाँ पे हम 2 घात देंगे। ठीक है, अब देखिए इसको हम लिखेंगे 2 × 3 × ये कितना हुआ, 2 का घात 3 का घात 2 है। देखिए 3 2 × 2 × 2 है, तो इसको हम लिख लेंगे 2 का घात 3 और उस पे भी घात 2 है, तो इस तरह से लिख लेंगे। अब देखिए 2 × 3 × 2 का घात, देखिए जब भी घात पे घात हो तो क्या होता है, गुना, तो 2 का घात 3 × 6 हो जाएगा। देखिए 3 × 6, अब इसको हम लिख सकते हैं 2 का घात, देखिए 6 यहाँ पे है यहाँ पे 1 है, तो दोनों घात जुटेगा यानी 2 का घात 7 × 3। ठीक है, देखिए यहाँ पे 6 है और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है ऊपर, तो 6 × 1 = 7 हो जाएगा, 2 का घात 7 हो जाएगा × 3, तो 2 का घात 7 होता है 128 और × 3। अब 128 को 3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 384 इसका आंसर। तो इस तरह से हमको सरल करना है, पहले छोटा जो अंक है उसको ले करके और सरल करना है, जैसे 8 को 2 में करके और 6 को भी तोड़ के अभाज्य गुणनखंड करके। देखिए 8 को हम अभाज्य संख्या गुणनखंड किए हैं और 6 का भी, देखिए 2 और 3 ये सब अभाज्य संख्या है, 2 3 ये सब, तो फिर जब अंत में आएगा उसको फिर गुना कर देना है। देखिए दूसरा है 4 का घात 3 × 3 का घात 4, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 और उस पे घात कितना है 3, ठीक है, × 3 का घात 4, 4 को हम 2 × 2 लिख सकते हैं और 3 घात है, तो यहाँ पे भी हम 3 घात देंगे ऊपर में। अब हम इसको लिख सकते हैं 2 का घात 2, फिर लिख सकते हैं उसके ऊपर है 3 घात × 3 का घात 4। अब देखिए 2 का घात 3 × 6 घात गुना हो जाएगा, तो 3 × 6 2 का घात 6 × 3 का घात 4, तो 2 का घात 6 कितना होता है, 2 का घात 6 होता है 64। ठीक है, 2 का घात 6 होता है 64, यानी 2 को 6 बार गुना करेंगे, 2 × 2 × 2 × ऐसे करके 6 बार करेंगे तो 64 आएगा, और × 3 को 4 बार यानी 3 का घात 4 होता है 81, तो 64 × 81 करेंगे तो आ जाएगा 5184 इसका आंसर। देखिए तीसरा में है 2 का घात 3 × 6 का घात 2 × 8 का घात 0, तो हम 2 का घात 3 को हम इसी तरह लिख देंगे, × 6 को हम 2 × 3 लिख सकते हैं, 2 × 3 = 6 होता है, उस पे घात कितना है 2, × 8 का घात 0 होता है 1, जब भी किसी भी नंबर पे घात 0 हो तो उसको हम 1 लिख देते हैं। देखिए ये वाला फॉर्मूला से ए पे 0 रहेगा तो ए पे घात 0 रहेगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला का हम इसी को यूज करेंगे, और देखिए ये सब जब भी गुना गुना हो रहा होगा और ऊपर में घात mn रहेगा तो जुट जाएगा, भागा में देखिए घटाना है घात को, और अगर घात पे घात है तो अभी गुना किए थे देखिए, और दो संख्या पे एक ही घात हो तो दोनों संख्या गुना होके घात हो जाएगा उस पे n, और इसमें देखिए अगर a पे n घात हो b पे n हो तो a बटा b यानी दोनों पे n घात हो जाएगा, और किसी संख्या पे देखिए −1 पे अगर सम संख्या हो घात तो 1 आएगा, अगर −1 पे विषम संख्या घात हो तो −1 होगा। तो इसको लिखेंगे हम 2 का घात 3 × देखिए 2 का घात 2 × 3 का घात 2, ठीक है, और × 1, देखिए जब दोनों पे 2 घात है तो अलग अलग करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे तो दोनों पे 2 2 घात हो जाएगा, 2 का घात 2 × 3 का घात 2। अब देखिए 2 का घात 3 + 2 घात जुट जाएगा क्योंकि गुना हो रहा है, तो 3 + 2 हो जाएगा × 3 का घात 2 और × 1। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा 2 का घात 5, 3 × 2 = 5 हो जाएगा, जुट जाएगा, और इसको हम ऐसे ही लिख देंगे × 1। अब देखिए 2 का घात 5 कितना होता है 32 × 3 का घात 2 होता है 9
और गुने एक, तो 32 नंबर, 9 दुनिया 18, 9 तिया 27, एक 28, यानी 288, 288 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमको करना है, अंत में गुना करना है, पहले घात को सबको अलग, एक संख्या वाला घात को एक संख्या पे कर लेना है और दूसरे संख्या वाले को दूसरे संख्या पे, ठीक है। और जो जी अगर कोई भी अंक अंक पे घात जीरो रहे तो उसको एक एक कर एक लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद अंत में गुना करके सबको लिख देना है आंसर। देखिए फोर में है 5 का घात 8 गुने 5 का घात 4 भागा 5 का घात 10, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। देखिए 5 का घात 8 गुने 5 का घात 4 भागा है, तो नीचे लिख लेंगे 5 का घात 10, ठीक है। अब देखिए अभी हम फॉर्मूला देखे थे, जब गुना रहता है तो घात जुड़ जाता है, तो 8 प्लस 4 और भागा में रहेगा वही अंक, ठीक है। 5 भी देखिए भागा में है, तो क्या होगा, घात माइनस हो जाएगा यानी -10, तो 5 का घात हो जाएगा 8 जोड़ 4 -10। देखिए गुना में है तो 8 जोड़ 4 हो जाएगा, भागा में है तो -10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 5 का घात 12 -10 घात, देखिए घात में जोड़ घटाव हो रहा है, तो 5 का घात कितना हो जाएगा, 12 में से 10 गया 2, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5 का घात 2 होता है 25, तो इसका आंसर हो जाएगा 25। तो इस तरह से इसको हम हल करेंगे, ठीक है। जब भी गुना में घात रहेगा तो उसको जोड़ेंगे, भागा में घात रहेगा तो उसको घटा देंगे, तो ये देखिए आंसर आ जाएगा इसका। देखिए पचमा में है 4 का घात 2 2, फिर पूरा पे घात है 3 गुने 2 का घात 2 बटा 2 का घात 10, तो इसको हम कैसे लिखेंगे। देखिए 4 को हम 2 गुने 2 लिख सकते हैं, 4 को, उस पे घात कितना है 2, फिर पूरा पे घात है 3 और गुने 2 का घात 2 बटा 2 का घात 10, तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं। देखिए 4 को हम 2 गुने 2 लिख देंगे, 2 गुने 2, तो उस पे घात 2 है, पूरा पे घात है 3, तो इस तरह से इसको हम लिख देंगे। अब देखिए इसको हम लिखेंगे 2 का घात 2, देखिए 2 गुने 2 है तो 2 का घात 2 लिख देंगे, और उस पे घात है कितना 2, और फिर उस पे घात है 3, और गुने 2 का घात 2 बटा 2 का घात 10, तो इस तरह से इसको लिख देंगे हम। देखिए 2 गुने 2 यानी 4 को हम 2 का घात 2 लिख देंगे, फिर उस पे घात है 2 और फिर पूरा पे घात है 3, और गुने 2 का घात 2 और बटा 2 का घात 10 है, तो इसको हम लिखेंगे। तो देखिए सब घात अब गुना हो जाएगा, 2 दुनी 4 4 तिया 12, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2 का घात 12 गुने 2 का घात 2 बटा 2 का घात 10। देखिए तीनों घात जो है गुना हो जाएगा, तो 2 दुनी 4 4 तिया 12, तो 2 का घात 12 गुने 2 का घात 2 बटा कितना है 2 का घात 10। अब देखिए इसको इधर हल कर लेते हैं, तो इसको हम लिख लेंगे। देखिए 2 का घात, जब भी गुना में घात रहता है तो क्या होता है, जुटता है, तो 12 प्लस 2 और -10। देखिए भागा में घात रहेगा तो घटा देते हैं घात को, तो देखिए गुना में है तो 12 प्लस 2 हो जाएगा और माइनस में है तो -10, तो ये हो जाएगा 2 का घात 12 2 कितना होता है 14 माइनस 10। पहले जोड़ेंगे क्योंकि जोड़ जोड़ पहले जुटता है उसके बाद माइनस करेंगे, तो 2 का घात कितना हो जाएगा 4, 2 का घात 4 होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 का घात 4 होता है 16, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 16। तो हम बस जैसे जैसे घात है उसी तरह से करते जाएंगे, ठीक है। तोड़ लेंगे पहले 4 को 2 गुने 2 में, उसके बाद घात जितना भी आएगा उसको गुना कर देंगे, और फिर जो भी घात गुना में रहेगा उसको जोड़ देंगे और भागा में रहेगा घटा देंगे, तो आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, 9 का 6 में 35 का घात 3 गुने 10 का घात 4 गुने 14 का घात 3 बटा 25 का घात 2 गुने 7 का घात 4 गुने 2 का घात 7 है, तो इसको हम 35 को हम लिख सकते हैं, 7 पचे 35, ठीक है। इस पे घात कितना है 3, और 10 को लिख सकते हैं हम 5 गुने 2 यानी 5 दुनी 10 होता है, तो इस पे घात कितना है 4, और 14 को लिख सकते हैं 7 दुनी 14, तो 7 गुने 2 का घात 3 बटा में
25 को लिख सकते हैं 5 गुने 5 का घात 2 गुने 7 का घात 4 को हम 7 को ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि 7 को गुना में नहीं लिख सकते हैं, गुने 2 का घात 7। तो इस तरह से हम पहले लिख लेंगे 35 को 7 पचे 35, 10 को 5 दूनी 10, 14 को 7 दूनी 14, इस तरह से लिख लेंगे। उसके बाद देखिए ये हो जाएगा 7 का घात 3 गुने 5 का घात 3 गुने 5 का घात 4 गुने 2 का घात 4 गुने 7 का घात 3 गुने 2 का घात 3 बटा 5 का घात 2 गुने 5 का घात 2 गुने 7 का घात 4 गुने 2 का घात 7। तो अब इस तरह से लिख लेंगे, देखिए 7 का घात 3 और 7 का घात 3 यहां भी है, दोनों गुना में है ऊपर में, तो घात जुट जाएगा, तो 7 का घात 3 प्लस 3 हो जाएगा। अब देखिए 5 का घात 3 गुने 5 का घात 4 है, तो 5 का घात 3 प्लस 4 हो जाएगा, घात जुटेगा यहाँ भी 4 में 2 में भी, देखिए 2 का घात 4 और 2 का घात 3 है, तो 2 का घात 4 प्लस 3 हो जाएगा, जुट जाएगा। नीचे भी देखिए 5 का घात 2 5 का घात 2, तो 2 2 4 हो जाएगा, यहाँ भी जुटेगा, और ये सब ऐसे ही लिख देंगे। अब देखिए इसको इसको हम यहीं आगे लिख देते हैं। अब इसको जोड़ेंगे तो 7 का घात 6 हो जाएगा, 5 का घात 4 3 7, 2 का घात यहाँ भी 4 3 7, यहाँ भी यहाँ देखिए बटा में 5 का घात 4 गुने 7 का घात 4 गुने 2 का घात 7 हो जाएगा। तो इस तरह से लिख लेंगे जोड़ने के बाद। अब देखिए भागा में हो गया 7 का घात 6 और 7 का घात 4 भागा में है, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 माइनस 4 भागा में, ठीक है, गुने 5 का घात, देखिए 7 है ऊपर और नीचे 4 है, तो यहाँ भी देखिए भागा होगा यानी घटेगा, 7 माइनस 4 गुने 2 का घात 7, और नीचे भी क्या है 7 है, तो 7 माइनस 7 हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे 7 का घात 6 में से 4 गया 2 गुने 5 का घात 7 में से 4 गया 3 गुने 2 का घात 7 में से 7 गया 0। तो इस तरह देखिए उतना करने के बाद इतना पे आ गया है। अब इसको हल कर लेंगे तो 7 7 कितना होता है 49, 7 का घात 2 होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49, 5 गुने 5 गुने 5 कितना होता है 125, यानी 5 का घात 3 होता है 125 गुने किसी भी संख्या पे घात अगर 0 हो तो उसको 1 लिख लेते हैं। अब देखिए 49 गुने 125 करेंगे तो आ जाएगा 6125, तो इसका आंसर हो जाएगा 6125। सदमा में देखिए 9 क्वेश्चन का सदमा में 72 का घात 2 है गुने 5 का घात 3 है गुने 49 का घात 3 m का घात 7 बटा 14 का घात 3 गुने 15 घात 3। तो इसको देखिए हल करेंगे तो 72 का घात 2 को हम लिख सकते हैं 8 गुने 9, 72 को लिख सकते हैं 8 गुने 9, और इस पे घात है कितना 2, 5 को हम ऐसे ही लिख लेंगे, और गुने 49 को हम लिख सकते हैं 7, 7 7 49 होता है, तो 7 गुने 7 का घात कितना है 3, और फिर है एम देखिए 7 में तो गुना में है, तो इसको हम गुना में ही अलग कर लेंगे, ठीक है, गुने एम का घात 7 लिख लेंगे बटा 14 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 7 14 होता है, 2 7 14 का घात 3, 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुने 5 का घात कितना है 3। तो पहले हम सबको अलग अलग कर देंगे, उसके बाद देखिए अब देखिए 8 है तो 8 क्या होता है 2 का घात 3 होता है 8, 2 गुने 2 दूनी 4 4 दूनी 8, तो हम इसको लिख लेंगे 2 का घात 3 गुने 9 क्या होता है 3 का घात 2 होता है 9, 3 तिहाई 9 होता है, तो 3 का वर्ग होता है 9, तो 3 का घात 2 लिख लेंगे, ठीक है, ये 2 है और इस पे घात कितना है 2। तो देखिए 8 को हम इस तरह से लिख लेंगे 2 का घात 3, 9 को हम 3 का घात 2 लिख लेंगे। अब इन लोग को हम इसको हम 5 का घात 3 ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है, गुने 7 का घात 2 लिख लेंगे, और फिर उस पे घात है 3, देखिए 7 गुने 7 को 7 का घात 2 लिख लेंगे, और गुने एम का घात 7 बटा में है, इसको अलग अलग कर लेते हैं, तो 2 का घात 3 गुने 7 का घात 3 गुने 3 का घात
तो इसको हम इस तरह लिख लेंगे, देखिए 2 का घात 3 अलग अलग करके 7 का घात 3 बटा में गुने 3 का घात 3 गुने 5 का घात 3। तो अब देखिए क्या लिखेंगे, 2 का घात 3 है यहाँ पे और पूरा पे 2 है, तो इसके साथ भी ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी 2 का घात 6 हो जाएगा। देखिए 3 गुने 2 दोनों पूरा पे है 2 घात, तो घात गुना कर देंगे तो 2 का घात हो जाएगा 6 गुने, यहाँ पे भी देखिए 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 3 का घात 4 लिख लेंगे गुने 5 का घात 3 को हम इसी तरह लिख देंगे गुने में। अब गुना करेंगे 7 का घात हो जाएगा 6 गुना m का घात 7 बटा में, देखिए इसको इसी तरह लिख लेंगे, तो जो नीचे है उसको इसी तरह देखिए लिख लेंगे। अब देखिए 2 का घात 6 है यहाँ पे ऊपर में और भागा हो रहा है 2 का घात 3, तो घट जाएगा, घात घटता है जब भी भागा होगा, तो 3 का घात 4 ऊपर है, 3 का घात 3 नीचे है बटा में, तो 4 माइनस 3 हो जाएगा, 5 का घात 3 ऊपर है, 5 का घात 3 नीचे है, तो माइनस हो जाएगा। उसके बाद 7 का घात 6 ऊपर है, 7 का घात 3 नीचे है, तो 6 माइनस 3 हो जाएगा गुने m का घात 7। इसको ऐसे ही लिख लेंगे, अब लिख लेंगे इसको 2 का घात 6 में से 3 गया 3 गुने 3 का घात 4 में से 3 गया 1 गुने 5 का घात 3 में से 3 गया 0 गुने 7 का घात 6 में से 3 गया 3 गुने m का घात 7। अब देखिए इसको गुना करते हैं तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये 3 ही रहेगा, 5 का घात 0 है तो 1 हो जाएगा, 7 × 7 = 343 गुने m का घात 7। अब इसको गुना कर देते हैं, 343 × 8 = 24, तो इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 8232 गुने m का घात 7, तो इसको गुना है तो साथ में लिख देंगे, तो 8232 m का घात 7 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में है, 9 का 8 में 125 का घात x भागा 5 का घात x है, तो इसको हम लिख सकते हैं 125 का घात x बटा 5 का घात x, ठीक है, भागा में तो बटा में लिख लेंगे। अब देखिए 5 का घात 3 होता है 125, देखिए 5 × 5 × 5 होता है 125, तो 5 का घात 3 लिख लेंगे, ठीक है, उस पे घात कितना है x बटा 5 का घात x, तो इसको हम लिख लेंगे 5 का घात 3x बटा 5 का घात x। देखिए 3 × x हो जाएगा 3x और 5 का घात x, तो इसको हम लिख लेंगे 5 का घात 3x - x। देखिए जब भी भागा में रहेगा घात तो घटेगा, तो 5 का घात 3x - x, तो इसका आंसर हो जाएगा बराबर 5 का घात 2x, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3x में से x घटेगा तो 2x आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 का घात 2x। क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए 2/3 का घात 3 है गुने 4/7 का घात है 5 गुने 3 का घात 3 गुने 7 का घात 10 बटा 2 का घात 13, तो इसको हम अलग अलग घात लिख लेंगे। देखिए पूरा पे है तो 2 का घात 3/3 का घात 3 गुने, देखिए 4 को हम 2 का घात 2 लिख लेंगे क्योंकि 2 दूनी 4 होता है, फिर पूरा पे घात है 5 गुने 3, इसको इसी तरह लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए 2 का घात 3 इसको इसी तरह लिख लेंगे, इसको बस 2 का घात 5 × 10 हो जाएगा, अब बाकी सबको इसी तरह लिख लेंगे, 7 का घात 5 हो जाएगा क्योंकि 5 है ऊपर, ठीक है। अब देखिए 2 का घात 3 और 2 का घात 10 जुड़ जाएगा, 3 + 10 घात जुड़ जाएगा, बाकी सबको इसी तरह लिख लेंगे, 3 का घात 3 × 7 का घात 10, देखिए सब गुना में, तो ऊपर वाले को ऊपर लिख लेंगे, नीचे को नीचे, नीचे भी जो है उसको उसी तरह लिख लेंगे। अब देखिए 2 का घात 10 × 3 = 13 हो जाएगा, तो देखिए इस तरह लिख लेंगे, 2 का घात 13 × 3 का घात 3 × 7 का घात 10 बटा 3 का घात 3 × 7 का घात 5 × 2 का घात 13। अब देखिए भागा में है 2 का घात 13 और 2 का घात 13 भागा में है, बटा में है तो भागा हो रहा है, तो घात है जो घटेगा, तो 2 का घात 13 - 13 गुने 3 का घात 3 - 3 गुने 7 का घात 10 - 5, ठीक है, तो 13 में से 13 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 7 10 में से 5 गया 5, तो हो जाएगा 2 का घात 0 हो जाएगा 1, 3 का घात 0 हो जाएगा 1, क्योंकि किसी संख्या पे 0 घात रहता है तो 1 हो जाता है, गुने 7 का घात 5 हो जाएगा, 7 को 5 बार गुना करेंगे, 7 × 7 × 7 × ऐसे करेंगे तो 16,807 आएगा 7 का घात 5
तो इसको एक से गुना करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 16,807। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 9 का 10 है, 6 का घात 3 गुने 21 का घात 5 गुने 7 गुने 9 का घात 0 बटा 35 का घात 3 गुने 7 का घात 3 गुने 3 का घात 8। तो 6 को हम लिख लेंगे 2 गुने 3, ठीक है, 21 को लिख लेंगे 3 गुने 7, 35 को लिख लेंगे 5 गुने 7 और बाकी सब वैसे ही रहेगा, जो घात है ऊपर में उसी तरह दे देंगे। देखिए यहाँ पे 5 है तो इसका भी 5 ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम लिख लेंगे 2 का घात 3 गुने 3 का घात 3, क्योंकि दोनों पे घात है 3, इसको लिख लेंगे 3 का घात 5 गुने 7 का घात 5, क्योंकि दोनों पे घात 5 है, 7 गुने 1 इसको 1 लिख लेंगे। देखिए 9 का घात 0 को हम 1 लिख लेंगे क्योंकि 0 घात रहता है तो 1 हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम 5 का घात 3 गुने 7 का घात 3 गुने इसको इसी तरह लिख लेंगे। अब देखिए ऊपर का घात गुना में है तो वो जोड़ लेंगे तो 3 का घात 3 प्लस 5 हो जाएगा और 7 का घात 5 प्लस 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ पे भी देखिए 7 का घात 3 प्लस 3 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ तक इसको हल कर लेंगे। अब देखिए 2 का घात 3 गुने 3 का घात 8 हो जाएगा, जुट जाएगा घात 8 हो जाएगा, 5 3 गुने 7 का घात 6 यहाँ पे जुट जाएगा बटा में 5 का घात 3 गुने 7 का घात 6 गुने 3 का घात 8। अब देखिए 2 का घात 3 गुने 3 का घात 8 माइनस 8 देखिए भागा में है, यहाँ पे 3 का घात 8 और 3 का घात 8 तो माइनस हो जाएगा, गुने यहाँ भी 6 माइनस 6 हो जाएगा, 7 का घात 6 माइनस 6 गुने 5 का घात 3 है तो इसको गुना करेंगे तो माइनस 3 हो जाएगा इसका घात, क्योंकि नीचे है देखिए भागा में, तो इसका घात क्या हो जाएगा माइनस 3। अब देखिए 2 का घात 3 गुने 3 का घात 0, 8 माइनस 8 जीरो होता है, 6 माइनस 6 भी जीरो होता है और 5 का घात माइनस 3, तो इसको इस तरह से लिख देंगे। यहाँ तक 2 का घात 3 हो जाएगा 8 गुने जिसका घात 0 है उसको 1 1 लिख लेंगे क्योंकि 0 घात रहता है तो 1 हो जाता है, गुने 5 का घात माइनस 3 हो जाएगा 1 बटा 125, माइनस में घात है तो उसको हम 5 का घात 3 होता है 125 तो उसको हम 1 बटा 125 लिख लेंगे तो आ जाएगा आंसर 8 बटा 125। तो इसको देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को।